योगी सरकार आज अपने दूसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट पेश करने जा रही है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना आज विधानसभा के पटल पर बजट पेश करेंगे, जिसे उन्होंने उत्तर प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा बजट बताया है। और सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक आज योगी सरकार प्रदेश के लिए 6,10,000 करोड़ रुपयों से ज्यादा का बजट पेश करेगी और यूपी में कई क्षेत्रों में विकास के लिए नई योजनाओं के लिए सरकार बजट का प्रावधान करेगी। बिल्कुल, और नमस्कार, मैं स्नेहलता। आज पेश होने वाले बजट में योगी सरकार का फोकस किसानों पर होगा, जिनको सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली का प्रावधान हो सकता है। इसके अलावा मेधावी स्टूडेंट्स के लिए, छात्राओं के लिए मुफ्त स्कूटी और 60 साल से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा देने का ऐलान किया जा सकता है। इस बजट में सभी वर्ग के विकास पर खास फोकस किया जाएगा। तो समझिए आप कि लखनऊ से जो खबर मिलती है, बजट से पहले वित्त मंत्री ने पूजा अर्चना की है, ये बड़ी खबर है। अपने आवास पर ही वित्त मंत्री ने पूजा अर्चना की है। सुरेश खन्ना की बात कर रहे हैं जो आज बजट पेश करेंगे। टैबलेट से भी इस बार बजट पेश किया जाएगा, यानी डिजिटल होगा ये फॉर्मेट। लेकिन इससे पहले बड़ी खबर ये है, वित्त मंत्री ने घर पर ही पूजा पाठ की है, भगवान का आशीर्वाद लेकर के शुभ काम बड़े काम की शुरुआत, इसका आगाज अपने घर से किया है। ये बड़ी खबर मिल रही है हमें लखनऊ से। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना घर पर पूजा पाठ कर रहे हैं, डिजिटली ही ये पूरा बजट पेश होगा। टैबलेट से इस बार भी बजट पेश करेंगे वित्त मंत्री, आपको बताएं, क्योंकि पिछली बार भी टैबलेट से ही ये बजट पेश किया गया था और इस बार भी डिजिटल ही होगा ये बजट। और इससे पहले वित्त मंत्री सुरेश खन्ना पर लखनऊ से मिल रही है, बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री पूजा पाठ कर रहे हैं, अपने आवास पर ही वो पूजा पाठ कर रहे हैं। तो बजट पेश करने से पहले, जैसा कि एक आस्थावान व्यक्ति करता है, ईश्वर की शरण में पहुंचे वित्त मंत्री सुरेश खन्ना। और इससे पहले का भी जो बजट था उनके द्वारा ही प्रस्तुत किया गया था। इस सरकार के सबसे वरिष्ठ मंत्री हैं, अगर अनुभव का तकाजा देखा जाए तो। उनके पास संसदीय कार्य विभाग की तस्वीरें देख लीजिए आप, आज सुबह सुबह की तस्वीरें, ईश्वर की शरण में सुरेश खन्ना, उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री भी हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी गंगा पर बजट प्रस्तुत करने से पहले ईश्वर की शरण में। और देखिए उनके हाथ में वो लाल पोटली जिसमें बजट के सारे प्रावधान है। बिल्कुल, देखिए मां लक्ष्मी की पूजा की जाती है अगर हिंदू वैदिक सनातन धर्म में देखा जाए, उनके आशीर्वाद को बना रहे यही कामना की होगी और ये काम अच्छे से हो। इस बजट से उम्मीदें 25 करोड़ लोगों को होती है, उनकी निगाहें टिकी होती है और इसी बड़ी पूरे घटनाक्रम पर एबीपी गंगा की नजर रहेगी। बहुत खास होने वाला है आज का हमारा ये कवरेज, जिसकी शुरुआत हम आपको इन तस्वीरों के जरिए करके बता रहे हैं कि किस तरीके से वित्त मंत्री अपने आवास पर पूजा पाठ में तल्लीन लीन दिखाई दे रहे हैं, आशीर्वाद लेना चाह रहे हैं। इस बड़े काम को करने से पहले, घर से निकलने से पहले वो पूजा पाठ कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तस्वीरें इसी बात की है जो आप देख रहे हैं। इस वक्त विधिवत पूजा अर्चना करते हुए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, और इसके बाद वो अपना आज का बहुत ही महत्वपूर्ण दिन शुरू करेंगे। इतना बड़ा प्रदेश, बल्कि देश का सबसे बड़ा प्रदेश, सबसे बड़ी जनसंख्या, और उसके लिए सबसे बड़ा बजट तैयार करना अपने आप में कितनी बड़ी चुनौती रही होगी, इसका सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। बिल्कुल, और जितना लंबा चौड़ा अनुभव है उनका, हर बार की चुनौती से उभरने के लिए उस पूरे अनुभव को वो झोंक देते होंगे। लेकिन यहाँ पर 99% अगर आपका काम, 1% आपकी किस्मत है, तो वो ऊपर वाले के हाथ में कही जाती है। शायद उसी के लिए ये भी मेहनत कर रहे होंगे, आशीर्वाद मांग रहे होंगे कि इतने बड़े प्रदेश की जनता की महत्वाकांक्षाओं और उम्मीदों पर खरा उतरना है आसान काम नहीं है। बिल्कुल, और विपक्ष की आलोचना भी देखनी है, ये भी देखना है कि जो आप प्रस्तुत कर रहे हैं उसमें विपक्ष क्या आलोचना के बिंदु फूट सकता है। इस बार विपक्ष बड़ा बदला है राजेंद्र, इस बार का विपक्ष और उसका नेता प्रतिपक्ष दोनों के बीच जो पिछले 3 दिन की क्या कार्यवाही की तस्वीरें आई हैं, इस बात की तस्दीक करती हैं कि कुछ भी आसान नहीं है। इस बार के भले ही छोटा ये सदन रहा हो, इस बार पूरा का 6 दिन का ये बजट सत्र रहा है, लेकिन चुनौती आज की सबसे बड़ी है। बिल्कुल, तो आज इस बजट सत्र का सबसे बड़ा दिन, क्योंकि आज इस बजट सत्र में बजट प्रस्तुत किया जाना है बाकी के 9 महीनों के लिए जो साल के बाकी हैं। और हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। बिल्कुल,
आगरा से नितिन जुड़ चुके हैं और देखिए ताज नगरी में भी लोगों की निगाहें इसी बात पर टिकी हैं कि भाई उनके हिस्से में क्या आएगा, पश्चिमी यूपी में ब्रज क्षेत्र में क्या आएगा, इसी को लेकर के बातचीत करी है हमारे सहयोगियों ने। शुरुआत करते हैं आगरा से नितिन से। जी नितिन, लोगों को क्या उम्मीदें लग रही है इस बार की बजट से? देखिए बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 6,10,000 करोड़ का भारी भरकम बजट आने वाला है और पहली दोबारा सरकार अस्तित्व में आने वाला पहला ये बजट है, तो आधी आबादी ने बीजेपी को दोबारा सत्ता में काबिज करने के लिए कहा जाए पूरी तरह से झोली भरी, तो जनता को क्या मिलने वाला है, महिलाओं को क्या मिलने वाला है, रिएक्शन लेते हैं। आप बताइए, संकल्प पत्र में बात कही गई स्कूटी के लिए, ये भी कहा गया कि सीनियर सिटीजन महिलाओं को, 60 साल से ऊपर वाली महिलाओं को बस में यात्रा मुफ्त मिलेगी, तो क्या लग रहा है आज बजट में इसका ऐलान हो सकता है? हो सकता है, मुख्यमंत्री जी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, वो योगी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के लिए और आगे भी महिलाओं के लिए भी और मीडियम परिवार के लिए। खासकर मैं चाहूँगी कि मीडियम परिवार का ध्यान रखें और मिडिल क्लास को कुछ लोग कहते हैं कि लोअर तबके को मिलता है, आय उच्च आय वर्ग वाले लोगों को मिलता है, मिडिल क्लास को क्या मिलने वाला? बहुत योगी जी से हमको बहुत उम्मीद है, मध्यम वर्ग के महिलाओं को तो सबसे ज़्यादा, कि हमारा रसोई का बजट ना बिगड़े और सब जरूरी चीज़ें जैसे दवाइयाँ LPG ये सब सबको सस्ता कर दिया जाए, सब सस्ता। हाँ, आपको क्या लगता है महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है, किचन की कहते हैं कि जिम्मेदारी आप महिलाओं के हाथों में होती है, तो किस तरह से देखती हैं, क्या कुछ ऐसा रहेगा, कुछ राहत मिलेगी कि कुछ पैसे बचे? थोड़े बहुत तो बचेंगे, कल ऐलान जैसा हुआ है थोड़े दिन पहले सिलेंडर का, पेट्रोल डीजल और हाँ जी, थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ेगा, लेकिन फिर भी ये फर्क अगर हम पिछले कुछ सालों से कंपेयर करें तो ना के बराबर है, लगता है कि कई गुना महंगाई हो चुकी है। आप कैसे देखती हैं मैम, किस तरह से लग रहा है ये लगातार, और विमेन सिक्योरिटी को लेकर भी ये सरकार काफी ज्यादा आ गया, ये थोड़ा काफी ज्यादा संजीदा है और यही वजह है कि महिलाओं ने काफी भरोसा जताया दोबारा सरकार आई। बिल्कुल, और हम तो उम्मीद बहुत उम्मीद कर रहे, ठीक है, उम्मीदें बहुत सारी हैं नितिन, बहुत साफ हो गया इन लोगों की बात से कि उम्मीदें बहुत सारी हैं इनको, योगी 2.0 का ये पहला बजट है, उम्मीद होना बहुत स्वाभाविक है, आगे भी आपके पास आएंगे, फिलहाल अविनाश के पास चलेंगे गाजियाबाद में। अविनाश, इस बजट के बारे में लोग क्या सोच रहे हैं, आम जनमानस क्या सोच रहा है, क्या चाहता है वो?